पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हो रही है। इस मौके पर महादेव के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। यूं तो मेवाड़ी परंपरा के अनुसार सावन के महीने की शुरुआत 15 दिनों से पहले हो गई है, लेकिन गुजरात में श्रावण महीने की शुरुआत 15 दिनों बाद होती है। आज श्रावण और सोमवार के पावन मौके पर गुजरात में श्रावण महीने की शुरुआत हुई है। 72 साल बाद ऐसा संयोग हुआ है कि श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार के दिन ही हुई हो और सोमवार को ही श्रावण महीना खत्म होने जा रहा है। आज इस शुभ मौके पर पूरे गुजरात के शिव मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर प्रसिद्ध काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखी गई। श्रावण महीना शिवजी की आराधना का महीना माना जाता है और इस मौके पर सोमवार और श्रावण महीने के शुभ संयोग पर हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने कतारों में लगकर शिवजी के दर्शन किए और मंगल कामना की। शिवजी को दूध, फल, फूल, बलिपत्र चढ़ाकर उन्हें रिझाने की कोशिश भक्तों द्वारा की गई। इस मौके पर हर हर महादेव के नारों से शिवालय गूंज उठा। કાવનાથ મંદિર ના દર્શન કરવા અમે લોકો આવી રહ્યા હતા, જે કેવાય જગ્યા નવનાથ, એટલે આપણા વડોદરા ના રક્ષક કરતા નવનાથ માટે જેવો આપત્તિ આવે છે એમાં આપણા નવનાથ સહાય થાય છે આપણને જનતાને। श्रावण का जो सोमवार होता है उसकी बहुत सारी महिमा होती है। जो कहते हैं कि जब समुद्र जब मंथन हुआ था उस समय पे श्रावण मास था और श्रावण मास में सभी देवी देवताओं धरती पे विराजमान होते हैं, जिससे जो भी मनुष्य अगर देवी देवताओं की आराधना का शिव जी की आराधना करता है तो उनके सभी जगह जो दुख होते हैं हर शिव जी हर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि नवे नवग्रह जिनके अधिपति भी स्वयं शिव है, श्रावण मास में पूजा करने से अगर को भी शिव जी को प्रिय वस्तु चढ़ाने से, जैसे शिव जी का प्रिय वस्तु भांग, दतुरा, भस्म, ऐसे जो लेपन होते हैं, जैसे शिरडी गन्ने का रस है, दूध है, चावल है, काले तिल है, बिली पत्र है, ऐसे वस्तु शिव जी को अर्पण करने के बाद अगर शिव जी के 11 ओम नमः शिवाय की 11 जो माला करता है उनको शिव पद की प्राप्ति भी होती है। और श्रावण माह का पहला सोमवार है, सभी भक्त अपने शिव जी को मनाने के लिए विविध द्रव्य से अभिषेक करते हैं। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर भीमनाथ महादेव मंदिर भी है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। भीमनाथ महादेव मंदिर नवनाथ महादेव मंदिरों में से एक है और भीमनाथ महादेव की काफी महत्ता है। आज श्रावण महीने और सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में भाविक भक्त भीमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और सुबह से ही यहां भगवान शिवजी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। पूरे श्रावण महीने शिवजी की भक्ति कर उन्हें रिझाने की कोशिश भक्तजन करते हैं। इसी क्रम में आज भीमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की कतारें देखने मिली। प्रथम सोमवार पर आज वडोदरा शहर में भारी उत्साह है लोगों के अंदर और दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ रही है। आज सायजीगंज विस्तार में भीमनाथ महादेव मंदिर है, जो सालों पुराना मंदिर है, 5-10 साल से पुराना मंदिर है। यहाँ पे यात्रीगण पूजा करने आते हैं, लोग यहाँ दर्शन करते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब बोलते हैं कि नवनाथ मंदिर में से एक नाथ भीमनाथ महादेव है, यहाँ की महिमा अपरंपार है बोले। और यहाँ पे भोलेनाथ का इतना चमत्कारी मंदिर है कि अगर आप यहाँ पे इनकी चौखट पे चढ़ते हो तो आपका हर वो काम और हर वो आपके जो मन्नत है वो पूरी होती बोले। और श्रावण का परिवार है, महादेव को पोते हैं तो बम बम बोले सर शिवालय गूंज उठे हैं। और आज इतना मतलब आनंद का दिन है कि मतलब कहो मत बोल, क्योंकि वो भोले का दिन है। श्रावण महीना पहलो सोमवार है, आप श्रावण महीना लगभग हमारा अंदर जी पहलो श्रावण छेलो आज पहलो सोमवार ने छेलो सोमवार पहली वक्त आयो है, लगभग 30-35 वर्ष पहला आयो थे, आ पी आ सोमवार आयो है। श्रावण महीना सोमवार है, आज पहलो सोमवार है, भीमनाथ महादेव नवनाथ जी में भीमनाथ महादेव गणेश है। भी कोई भी भक्त हो, कोई भी पूजा मन तंसी करते नहीं, मनोकामना पूर्ण करे थे। आ भीमनाथ महादेव है अने आनी पर पहाड़ करेलो भीमे ये पहाड़ भी है, हूँ बताऊँ तमने। આ નવરાત્રી મેં પહાડ કરેલો દાદાનો વાગેલો આપ ગજાનો એ છે
आ भीमनाथ महादेव जी भीमनी द्वारा कपट करेली पांच पांडव पांच भैया એમને કીધું કે તું કોસાની પૂજા કરી છે કે તો મહાદેવની કરું છું, પણ ખરેખર એ હાંજલીની પૂજા કરી છે અને બધાને બહાર કરી આ ભીમનાથ પ્રગટ થાય એમનું નામ પડ્યું ભીમનાથ મહાદેવ। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर उमेश्वर महादेव मंदिर है, वहां भी आज सुबह से ही शिव भक्तों की कतारें देखी गई। सुबह से ही भक्तों ने हाथों में दूध और जल लेकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हुए मंगल कामना की। श्रावण महीना शिव जी का महीना माना जाता है, ऐसे में शिव जी को रिझाने के लिए भक्त पूरे महीने शिव जी के दर्शन कर उनके व्रत उपवास कर मंगल कामना कर रहे हैं। श्रावण मास महीना ની અંદર સરસ વાઘોડિયા રોડ પર ઉમેશ્વર મહાદેવજીનું મંદિર આવેલું છે, ત્યાં સર્વ ભક્તજનો આવે છે અને ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે છે। ખરેખર શિવજીની પૂજા કરવી એ ખૂબ મોટો લાભ છે અને એ આજે શ્રાવણ માસની અંદર અમને મળી રહ્યો છે। ખરેખર ભગવાન ભોળા છે અને ભગવાન સૌની મનોકામના પૂરી કરે છે। ખરેખર શિવજીના એક એક ગુણ તો જીવનમાં લાવીએ ને તો આપણું જીવન ધન્ય અને પવિત્ર બની જાય છે। શિવજીએ ગળામાં એમ કે વિષ ધારણ કર્યું છે, એવી રીતે શિવજી પાસેથી આ પણ શીખવાનું મળે છે કે આપણે પણ જો આવા કડવા ગુટ જીવનમાં ધારણ કરીએ તો આપણું જીવન પણ ઉજ્જવળ અને ભવિષ્ય બને છે અને ખરેખર ભગવાનના આશીર્વાદ છે। અને અભિષેકની અંદર બધા જ તલ છે, ચોખા છે, દૂધ છે, દહીં છે, મધ છે, આ બધું લઈ આવી અને ભગવાનની પૂજા કરે છે। વો જો જીસ ચીજ સે જો અભિષેક કરતે હૈ વો ચીજ કા ભી મહત્વ હોતા હૈ। જૈસે લોગ ચોખા સે અભિષેક કરતે હૈ, ચોખા ચઢાતે હૈ તો ઉસકે લિયે વો પુત્ર પ્રાપ્તિ હોતી હૈ। દૂરવા કા જો અભિષેક હૈ વો જુદી કામના હો અપની મનોકામના જો હોતી હૈ વો પૂર્ણ કરને કે લિયે દૂરવા સે અભિષેક કિયા જાતા હૈ ઓર વો કાલે તિલ સે લોગ અભિષેક કરતે હૈ। અગર દૂધ સે અભિષેક કિયા ગયા તો રાજયોગ બનતા હૈ ઓર ઇસી તરહ અલગ અલગ ચીજો કી મનોકામના અલગ અલગ હોતી હૈ ઓર ઉસી તરહ સે લોગ અપની પૂજા કરતે હૈ।